मौसम विभाग के डायरेक्टर बीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर आप ये बताइए, जरा मैप के जरिए बताने की कोशिश करिए कि अगले आप जो दिन होने वाले हैं चेन्नई के लिए कैसे होंगे? नहीं देखिए, चेन्नई के दिन के लिए अभी भी भारी बारिश का जो खतरा है वो अभी बना हुआ है, क्योंकि बंगाल खाड़ी में जो सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से भारी बारिश हो रही है वो अभी भी वहाँ बने हुए हैं, और इसी वजह से चेन्नई के आसपास जो उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ भारी से बहुत भारी बारिश कल तक जारी रहेगी, उसके बाद से थोड़ा सा बारिश में कमी आएगी। सर मैप के जरिए वो दिखाने की आप वहाँ पे कोशिश करिए कुछ कलर। मैप है, ये कलर है आप देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जो डार्क कलर जो है वो ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र हैं, और जितना लाइट कलर है वो कम बारिश वाले क्षेत्र हैं। एक तो सबसे पहले मैप से दिखता है कि सबसे ज़्यादा बारिश साउथ इंडिया में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है, और साउथ इंडिया में भी जो सबसे ज़्यादा बारिश होगी वो आपको ये आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु के इलाकों में होगी। सर एक अहम सवाल ये है उसमें कि लगातार जिस तरीके से 24 घंटे बारिश हो रही है, पहले और पहले भी खूब बारिश वहां पर हुई है, आगे भी आप बता रहे हैं कि बारिश होगी 2 दिनों तक जबरदस्त, ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरीके के माहौल वहां पर चेन्नई? नहीं वो तो ग्राउंड सिचुएशन जो वहां की सिविल अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो जरूर देख रही होंगी। हम मौसम से संबंधित रेनफॉल के आंकड़े, कितनी बारिश कहां हो रही है और आगे कितनी भारी बारिश कहां कहां किस किस जिलों में किन किन जगह भारी बारिश होगी वो हम उनको पहुँचा रहे हैं, उसके अनुसार ही वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप लोग कोई चेतावनी वगैरह दे रहे हैं? हमने चेतावनी हैवी रेनफॉल का, मीन्स की बहुत वेरी हैवी रेनफॉल का चेतावनी दे रखा है, यानी कि और अगले 24 घंटों में 25 सेंटीमीटर तक बारिश और नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु और साउथ कोस्ट आंध्र प्रदेश के जिलों में होगी।